प्रधानमंत्री मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शाम 4 बजे बैठक करने वाले थे, लेकिन बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से फ़ोन पर बातचीत की है और कोरोना संक्रमित होने के बाद इन दोनों मुख्यमंत्रियों का हाल प्रधानमंत्री मोदी ने जाना है। जिस तरीके से आज बैठक होने वाली थी शाम के 4 बजे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़े थे कोरोना अपडेट को लेकर कि राज्यों में क्या कुछ हालात है कोरोना के, इसको लेकर प्रधानमंत्री के साथ एक अहम बैठक हुई है वर्चुअली माध्यम से। लेकिन खबर ANI ने ट्वीट की है, उनके ट्विटर हैंडल की तस्वीर आप देख रहे होंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने फ़ोन पर बात की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कर्नाटका के मुख्यमंत्री से। सीधे तौर पर जो रिश्ते हैं प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के बीच, काफ़ी नज़दीकी के रिश्ते हैं, NDA में अलायंस है दोनों पार्टियाँ। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरी लहर में कोविड पॉजिटिव हो गए थे। समाज सुधार यात्रा के दौरान पाया गया कि नीतीश कुमार कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री पहले से पॉजिटिव थे, लेकिन कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जांच हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के कई सारे कर्मचारी पहले से कोविड पॉजिटिव थे और कल जो खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी से जब बैठक हुई, बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फ़ोन पर हालचाल जाना है दोनों मुख्यमंत्रियों का। ANI की तरफ से ये खबर ट्वीट की गई है, फ्लैश की गई है, जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना हालात प्रधानमंत्री मोदी को बताया है कि किस तरीके से वो तीसरी लहर में कोविड पॉजिटिव हो गए। हालांकि 2 वेव नीतीश कुमार झेल चुके थे, दोनों वेव में बिहार के लिए काफ़ी काम किया था और समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए थे तीसरी वेव के दौरान। इसी दौरान औरंगाबाद में जो उनका कार्यक्रम लास्ट कार्यक्रम हुआ, उसमें कई सारे मंत्री जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे और दोनों डिप्टी CM पॉजिटिव पाए गए उस बैठक के बाद। और कैबिनेट की भी बैठक हुई थी, उसके पहले भी शहनवाज हुसैन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेगेटिव थे, लेकिन बाद में इन दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और आज प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई है फ़ोन पर नीतीश कुमार से, उन्होंने उनका हालचाल जाना है और आगे देखना है कि बिहार में किस तरीके से इसके बाद आगे की सरकार चलेगी, क्योंकि आधा से ज़्यादा मंत्री इस वक्त आइसोलेशन में है। ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बने रहें आप न्यूज़ PR के साथ।